और लगभग 14 घंटे के सफर करने के बाद मुख्तार अंसारी को बुधवार की सुबह बांदा जेल पहुंचाया गया। गैंगस्टर विधायक को पंजाब के रोपड़ से यूपी के बांदा तक पहुंचने में 14.5 घंटे का वक्त लगा है। पंजाब में जहां मुख्तार व्हीलचेयर से एम्बुलेंस में सवार हुआ था, वहीं बांदा जेल में वो अपने पैरों पर खड़ा होकर अंदर गया। डॉक्टर्स के पैनल की जांच में वह बुरी तरह फिट पाया गया। बांदा जेल में मुख्तार को बैरक नंबर 15 में रखा गया है। इसे तन्हाई जेल भी कहा जाता है, यानी इस बैरक में कोई और कैदी नहीं होगा। मुख्तार को आम कैदियों की ही तरह ही सुविधाएं दी जाएंगी, साथ ही सीसीटीवी से उसकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जाएगी। बता दें कि गैंगस्टर मुख्तार के खिलाफ 53 गंभीर मामले दर्ज हैं। सिमडेगा सदर अस्पताल में एक भर्ती एक मरीज अस्पताल भवन की छत पर चढ़कर कूदने की धमकी देने लगा। यह देख स्थानीय लोगों के होश उड़ गए। लगभग एक घंटे तक इस मरीज का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मरीज की मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है और सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद उसे रस्सी से बांधकर नीचे उतारा।